क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। इसमें क्या दिया, देयर आर 81 लीटर प्योर मिल्क इन कंटेनर, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर इन द कंटेनर, अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर एक्सट्रैक्ट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क इन न्यू मिक्सचर। देखिए क्या किया गया, 1/3 को रिमूव किया गया। अच्छा, 1/3 को रिमूव करने का मतलब क्या है कि 3 यूनिट्स निकाल के 3 यूनिट का 2 यूनिट बन गया, और ये प्रोसेस कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। मतलब इसका मतलब क्या है, 9 से बन गया कितनी, 4 यूनिट, और 9 यूनिट का 1 अपन को मतलब दिया कितना, 81 लीटर। अगर 9 यूनिट का मतलब 81 लीटर है, मतलब 9 का मल्टीप्लाई किया गया, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, वो इसी में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अपन से पूछा गया, अपन से तो रेशो पूछा है ना, रेशो मिल्क और वाटर का, तो वाटर कहाँ से निकलेगा, ये इन दोनों का जो डिफरेंस होता है मतलब 5 यूनिट, ये वाटर की क्वांटिटी और ये क्या है, मिल्क की फाइनल क्वांटिटी, ये मिल्क की फाइनल क्वांटिटी, ये मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी और ये वाटर की क्वांटिटी। और अपन से मिल्क और वाटर का रेशो पूछा है, जो क्या हो जाएगा, 4:5। ठीक है,